संतों के साथ। 30 मई को माता कलिसिया आर्क के संत जोन का पर्व मनाती है। पेरिस के डोमरेमी ग्रीस दक्षिण पूर्व में एक अच्छे किसान दंपत्ति के यहाँ जन्मी जोन केवल 12 वर्ष की थी जब उन्होंने एक दृष्टि का अनुभव किया और आवाजें सुनी, जिसे उसने बाद में मिखाइल महादूत, अलेक्जेंड्रिया के संत कैथरीन और एंटियोक के संत मार्गरेट के रूप में पहचाना। 100 साल के युद्ध के दौरान जोन ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व किया और आर्लेंस और ट्रायस के शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके फलस्वरूप चार्ल्स सातवें को 1429 ईस्वी में रीम्स का राजा बनाया गया। अगले वर्ष कंपोशन के पास कब्जा करने के बाद जोन को अंग्रेजों से विधर्म और जादू टोना के परीक्षण के लिए बेच दिया गया। पेरिस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने व्यूवाइस के धर्माध्यक्ष पियरे कॉनन का समर्थन किया और जोन के परीक्षण का आंकलन करने के लिए कहा। इंग्लैंड के विंचेस्टर के प्रमुख याजक हेनरी ब्यूफोर्ट ने भी जेल में जोन से पूछताछ में भाग लिया। अंत में पुरुषों के कपड़े पहनने के लिए उनको दंडित किया गया। राजनीति से प्रेरित परीक्षण के बाद जोन को 30 मई 1431 ईस्वी के दिन एक धर्म विरोधी के रूप में खूंटे से बांधकर जला दिया गया और उसकी राख सीन नदी में बिखेर दी गई। 25 साल बाद माता कलिसिया के दूसरे परीक्षण ने पहले के निर्णय को रद्द कर दिया जो राजनीतिक दबाव में आकर ली गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जोन को 1909 ईस्वी में धन्य घोषित किया गया और 1920 ईस्वी में संत घोषित कर दिया गया। अपने सैन्य कारनामों के लिए ज़्यादातर लोगों द्वारा याद किए जाने वाली जोन को संस्कारों से बहुत प्यार था, जिसने गरीबों के प्रति उनकी दया को मजबूत किया। 19वीं शताब्दी के फ्रांस में और बाद में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों के बीच उनकी लोकप्रिय भक्ति बहुत बढ़ गई। धर्मशास्त्री जॉर्ज टॉर्वट लिखते हैं कि उनका जीवन चिंतन और क्रिया के संयोजन का एक आदर्श उदाहरण है, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है कि स्वर्ग और पृथ्वी की एकता होनी चाहिए। आर्क के संत जोन कई किताबों, नाटकों, ओपेरा और फिल्मों का विषय रही हैं। आर्क के संत जोन हमारे लिए प्रार्थना करें।